जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। जी हम एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 5.2 पढ़ रहे थे, तो उसके हमने कुछ यूनिट वन जो है जनरल मैथमेटिक्स मैथ जो आपका वो, तो उसमें से हमने तकरीबन 14 तक क्वेश्चन कर दिए थे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। तो जी आज हम इंशाल्लाह बाकी इसके कोशिश करेंगे जितने हमसे सवाल हो सके, और वीडियो भी आपकी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो जी फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 16, 17, तीन क्वेश्चन मैंने अभी लिख दिए, इसमें से मैंने छोड़ा कौन ही, क्योंकि ये सारे क्या थे, डिफरेंट थे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो है वो फार्मूले जो हैं जो लोग याद करेंगे तो उनको बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जी अब फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें फाइंड क्या करना है, A3 - B3। देखें जब आपने फाइंड करना है A3 - B3 तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। A3 - B3 का क्या फार्मूला होता है जी? A3 - B3 आपने फाइंड करना है, तो आप देखें यह फार्मूला हमने पढ़ा था, A - B³ = A³ - B³ - 3AB × A - B। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका जब आपने A3 - B3 फाइंड करना है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा जी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास ये जो दिया हुआ है A - B² देखिए हमने बनाना होता है A - B³ बनाना होता है, तो क्यूब A - B³। तो A - B ये जो गिवन होता है A - B = 4, इसकी आप दोनों साइडों पे क्या कर लें, क्यूब ले लें, A - B का क्यूब, और इधर हो जाएगा आपके पास 4 का क्यूब। तो जी इसका क्यूब ओपन करेंगे, फार्मूला देखें A - B³ क्या आ जाएगा, ये सारा आप नीचे लिख देंगे इसके। तो A³ - B³ - 3AB × A - B इज इक्वल टू जी 4³, 12 नहीं लिखना, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आ जाएगा A³ - B³ - 3AB। देखें AB गिवन होता है, AB की जगह यहाँ पे -5 लगा देंगे। A - B भी गिवन है, A - B कितना है, 4 है, इज इक्वल टू 64। जस्ट वैल्यू लगाई है हमने। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A³ - B³ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15, बल्कि आप सारा मल्टीप्लाई कर दे, तीनों मल्टीप्लाई रहे, 3 × 5 = 15, 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 को 4 के साथ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 = 64। आपने A³ - B³ फाइंड करना है इज इक्वल टू 64, ये उधर जाएगा, -60 हो जाएगा प्लस से, तो ये आपके पास आ जाएगा A³ - B³ = 4 आ गया जी। इस तरह हमारा ये वाला जो था ये सॉल्व होना था। अब नेक्स्ट जो आपके पास दिया हुआ है उसमें एक छोटा सा प्रूफ दिया हुआ है उसने, उसको आपने सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे आप, इसको आप रख लें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z+1/z² - z - 1/z² और उसको आप रख लें राइट हैंड साइड जी। एक को लेफ्ट साइड रख लें, एक को राइट साइड रख लें जी। शो करना है इसको, इक्वल करना है इसके आपने। जब बाकी ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए ना, मैंने शॉर्ट करके लिखे हुए, आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की बुक में है आपकी। तो जी इसको सॉल्व करना है आपने, ये लेके आना है, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी, कौन सा, A+B² ये अप्लाई हो रहा है, जो किसके इक्वल होता है, A²B² + 2AB जी। यहाँ पे देखें ए जेड हो गया, B 1/z हो गया, तो ए का स्केयर करेंगे तो क्या आपके पास हो जाएगा, जेड का स्केयर, इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखते जाएंगे आप नीचे, बी का स्केयर करेंगे 1/z² + 2AB, 2AB z और 1/z हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट लिखेंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लें। रीजन ये है कि माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा तो ये अंदर साइन चेंज कर देगा इसके, फिर हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे A²+B² (1/z²) - 2A और B जी, 2A z और B आपके पास है 1/z, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे जी। अब अगर देखें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सारा, बिल्कुल आराम के साथ सॉल्व हो जाएगा, z² 1 का स्केयर 1 और ये z² हो जाएगा,
प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा जी। आपके पास जेड स्क्वायर प्लस का माइनस का 1 बाई जेड स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2 और 2 4, तो क्या आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई जी। इसी तरह आपके पास आगे आ जाता है, इसको आप दोबारा देख सकते हैं जी। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है जी, अगर क्वेश्चन लिखा होगा आपके पास इस तरह, इफ ए फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इफ फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो अब आपने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक आपने फाइंड करना है ए बी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक नया फार्मूला जो हमने पहले नहीं पढ़ा था वो यूज करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे यूज करना है। अब देखें इसमें यहाँ पे ये यूज क्यों किया है, क्योंकि इसमें जो गिवन दिया हुआ है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी में जो फार्मूले में यूज हो रहा है वही हमने उसको यूज किया है जी। आप देखें जस्ट इसकी वैल्यू लगाएंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसी तरह लिख लेंगे, ए प्लस बी कितना है जी 5, 5 का स्क्वायर हो गया, और ए माइनस बी कितना है जी 3, 3 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 2 इंटू आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 34, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे ये 2 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 34 बाई 2, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, इसको कैंसिल करेंगे तो जी ये तो इस तरह सॉल्व हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो हमने करना है उसमें फाइंड करना है हमने ए बी, इसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ उसको हम यूटिलाइज करेंगे जी। वो कौन सा होगा, 4 ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर जी। अगर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो ये होता है, इधर प्लस होता है, अगर 4 ए बी हो तो फिर यहाँ पे माइनस होता है। अब ए बी आपने फाइंड करना है, 4 ए बी इसी तरह ए प्लस बी, देखें ए प्लस बी कितना है जी, ए प्लस बी है 5, 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया, वो वैल्यूज यहाँ पे लगा लेंगे, तो 4 ए बी 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 4 ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया जी 16 आ गया, इसको माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, तो ए बी हमने फाइंड करना है, तो 16 बाई 4 हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया जी। इस तरह थे ये आपके ये वाले जो क्वेश्चन सॉल्व होने थे। आगे जो नेक्स्ट है इसको इंशाल्लाह हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये आप एक बार देख सकते हैं जी। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 और 19, बिल्कुल आपके सेम है 18 और 19। 18 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, गिवन उसने दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसने दिया हुआ हमें 11 एंड ए प्लस बी प्लस सी ये दिया हुआ उसने 6 जी। इससे रिलेटेड आपका 19 जो है वो सेम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जी इस पे इसको देखते हैं, फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गिवन क्या है, दो वैल्यूज गिवन है जी, किस तरह सॉल्व करेंगे फिर देखें। आपके पास ये जो दिया हुआ है इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था पिछले लेक्चर में, वो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये फार्मूला था हमने पहले भी पढ़ा है इसको जी। इसमें वैल्यू देखें, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसी तरह
अब इन सारों में से अगर मैं यहाँ पे इक्वल देखें, ये इक्वल आ गया, 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख लें, 36 लिख लें जी। यहाँ से देखें क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आ जाता है, बाकी क्या बचेगा, ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 36 हो गया जी। यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए कितना दिया हुआ है जी, 11, इसकी जगह ब्रैकेट 11 आ गया। इस सारे की जगह देखें, इस सारे की जगह कितना है, 11 आ गया, इक्वल उसी तरह 36 उसी तरह जी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 22 इज इक्वल टू 36, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 36 माइनस 22, जस्ट इसको आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, ये 18 किया, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके पास जो दिया हुआ है 20, क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। ये 20 क्वेश्चन है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ये फाइंड करना है आपने जी। गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसने जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड एक्स वाई, और दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 16 जी। ये थोड़ा सा गौर करने वाला क्वेश्चन है, उसने हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 एक्स वाई 16 फाइंड ये करना है जी। जिसमें आपके पास एक्स वाई होता है यूज, वो फार्मूला होता है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। सिर्फ क्या है, ये क्वेश्चन x में है तो लिहाजा हम यहाँ पे 4ab की बजाय एक्स वाई लिख लेंगे। ये आपको पेपर में या क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यही फार्मूला लिख सकते हैं, सिर्फ आप इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे सारे को जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लगानी है आपने, कौन कौन सी वैल्यू लगानी है, 4 उसी तरह, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 16 है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना है जी, एक्स प्लस वाई, देखें यहाँ पे हमें क्या एक्स प्लस वाई गिवन है, देखें गौर कीजिएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं है। उसके बाद माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, तो हमने फाइंड करना है आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी नहीं है। तो आप इसको मज़ीद इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप इसको ओपन कर लें ना फार्मूले को, फिर आपका ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा जी। कैसे, कि अगर ये 4xy उसी तरह लिखे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और ये वाली वैल्यू हमारे पास उसी तरह आ जाएगी जी। किया क्या हमने, इसका फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखें ये माइनस इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इस वैल्यू को इधर लेके आ जाए, ये प्लस हो जाएगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये देखें माइनस है, इक्वल के इस साइड पे लेके आए, प्लस हो गया, उधर क्या बच गया, उधर बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और ये वाला 4xy हम उधर लेके चले जाएंगे, माइनस 4xy हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 में से 2 निकाल देंगे, दोनों सेम आइडेंटिटीज हैं, तो 2xy हो जाएगा। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यू लगानी है जी। वैल्यू कैसे लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है 36 हो गया, माइनस 2, और एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है माइनस 16 है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर आप, तो ये हो जाएगा 36 माइनस और माइनस प्लस 32 हो गया, दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 और 2 आपके पास 8 हो गया, और जी क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 68, और यही हमने सॉल्व करना था जी। इसमें से एक क्वेश्चन बस मज़ीद मैं करूँगा, ये एक्सरसाइज हमारी जो होगी वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा जी। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 22 जी। कौन सा सॉल्व करने लगा हूँ, 22 जी। इसमें क्या सॉल्व करना है, इसमें सॉल्व करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपने। गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू
7 जी, ये फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप पढ़ चुके फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके जी, a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के प्लस c स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद आगे 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू लगाएंगे। अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दिया हो, फिर आपने इधर ही दोनों साइडों पे स्क्वायर करना होता है। अगर आपने ये होल स्क्वायर फाइंड करना हो, फिर आप आगे फार्मूले को ओपन करेंगे ताकि हम वैल्यू लगा सकें जी। यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना है ये 32 है, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना है 7 है, तो ये कितना आ गया आपके पास 32 प्लस 14 आ गया, तो ये आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4 और 2 6 हो गया 46 आ गया जी। अगर आपने फाइंड करना, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आपने जस्ट फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो आप वो अंडर रूट कर लेंगे दोनों साइडों पे, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।